सो फाइनली हम शुरू करने जा रहे हैं प्रो कबड्डी सीजन 11 के ऑक्शन से पहले सभी टीम्स के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम दो टीम्स के बारे में बात करने वाले, बंगाल वॉरियर्स एंड बेंगलुरु बुल्स। शुरुआत करते हैं बंगाल वॉरियर्स के साथ। बंगाल वॉरियर्स के टीम में सबसे पहले एग्जिस्टिंग NYPs रिटेन हो गए जो पहले से ही कंफर्म है, महारुद्र गर्जे, आदित्य शिंदे, दीपक शिंदे एंड साथ ही में श्रेयस उम्बरदंड। आप देख सकते हो ये चार प्लेयर्स जो पिछले सीजन नॉमिनेट हुए थे, साइन हुए थे NYP के तौर पे, वो इस बार फिर से रिटेन हो गए एग्जिस्टिंग NYP के तौर पे। फटाफट चारों ही प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो महारुद्र गर्जे चार मैच खेले, एक भी रेड पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए। आदित्य शिंदे जो लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर है, 16 मैचेस खेले, 21 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। एंड दीपक शिंदे जो कि राइट कॉर्नर पोजीशन के डिफेंडर है, 11 मैचेस खेले एंड इनको 5 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। एंड श्रेयस उम्बरदंड एक ही मुकाबला खेले एंड अनफॉर्चुनेटली रूल आउट हो गए इंजरी के कारण एंड इस सीजन फिर से खेलते हुए दिखेंगे। रिटेंशन प्राइस की बात किया जाए तो पिछले सीजन 9.66 लाख में इनको साइन किया गया था। अब इस बार कितना प्राइस सेट करती है मसाल स्पोर्ट्स ये कंफर्म नहीं है, तो आप मान के चल सकते हो कि 9 से 10 लाख में सभी प्लेयर्स रिटेन होने वाले। अब अगला स्टेज रिटेंशन है RYP, जिसे हम रिटेन यंग प्लेयर कहते हैं। तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी रिटेन होता हुआ दिख रहा है, वो यहाँ पे वैभव गर्जे है जो कि राइट कवर पोजीशन के डिफेंडर है एंड थर्ड स्ट्रेट सीजन फिर से बंगाल वॉरियर्स के टीम से खेलते हुए दिखेंगे। पहले दो सीजन का तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब प्लेयर साइन होता है, तीसरे सीजन वो टीम के ऊपर होता है कि फिर से रिटेन करे या फिर ना करे, लेकिन इनको डेफिनेटली बंगाल वॉरियर्स की टीम रिटेन करेगी। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, 22 मैचेस में 52 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड पिछले सीजन कैटेगरी सी में थे एंड इनका कैटेगरी फिर से अपग्रेड होगा कैटेगरी बी में, मुझे लगता है कि जाएंगे एंड रिटेन हो गए। एंड पिछले सीजन का इनका रिटेंशन प्राइस 9.66 लाख था एंड इस बार कैटेगरी बी इनका अपग्रेड होगा तो प्राइस भी ज़्यादा मिलने वाला है वैभव गर्जे को। अब बढ़ते सबसे इम्पोर्टेंट रिटेंशन की तरफ जो कि है इलीट प्लेयर्स का रिटेंशन, जिसे हम ERP भी कह सकते हैं। तो तीन प्लेयर्स मुझे लगता है कि रिटेन हो गए अंडर ERP। सबसे पहले नितिन कुमार, ऑक्शन में इनको खरीदा बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 32.20 लाख में एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया अपने डेब्यू सीजन में। 20 मैचेस में 169 रेड पॉइंट स्कोर किया एंड अभी फिलहाल सीनियर नेशनल गेम्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया था एंड मुझे लगता है कि इस सीजन इनका कैटेगरी बी होगा एंड जिसके कारण प्राइस भी अब होगा एंड बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिलीज कैसे भी करके नहीं करना चाहेगी। रिटेन हो गए नितिन कुमार। एंड दूसरे प्लेयर यहां पे शुभम शिंदे है जो कि डिफेंडर है राइट कॉर्नर पोजीशन के, 22 मैचेस में 62 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे एंड कैटेगरी ए में डेफिनेटली इनको मसाल स्पोर्ट्स रखने वाली है इस सीजन के रिकेटेगराइज प्लेयर लिस्ट में एंड पिछले सीजन ऑक्शन में इनको 32.25 लाख में बंगाल वॉरियर्स की टीम ने खरीदा था एंड इस बार रिटेन हो गए एंड प्राइस ज़्यादा मिलेगा इस बार रिटेंशन का शुभम शिंदे को। एंड आखिरी प्लेयर यहाँ पे नितिन रावल है जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन बंगाल वॉरियर्स का किस्मत इतना अच्छा नहीं था। वैसे तो इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करने वाली थी, एशियन गेम्स भी हुआ था एंड एशियन कबड्डी चैंपियनशिप भी हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें नितिन रावल से देखने को मिला, लेकिन इंजरी के कारण एक भी मुकाबला खेलने का मौका नितिन रावल को नहीं मिला एंड कैटेगरी बी में थे एंड इस बार लगता है कि पिछले सीजन एक भी मैच नहीं खेले तो इस बार कैटेगरी सी में आएंगे। 30 लाख में बंगाल वॉरियर्स की टीम ने ऑक्शन में खरीदा था तो रिटेंशन प्राइस इनका कम होगा 30 लाख, या फिर 30 लाख से कम ही इनको पैसे में रिटेन किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि नितिन रावल एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, कम प्राइस में एक अच्छा प्लेयर बंगाल वॉरियर्स को मिल सकता है। तो मेरे रिकेटेगराइज प्लेयर लिस्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी ए से एक प्लेयर रिटेन होगा, बी से एक एंड सी से एक प्लेयर रिटेन होगा अंडर इलीट प्लेयर, बिकॉज इलीट प्लेयर्स के रिटेंशन में कैटेगरी मैटर करता है। हर एक कैटेगरी से मैक्सिमम 2 ही प्लेयर्स रिटेन कर सकते हो एंड RYP एक है जो कि वैभव गर्जे एंड एग्जिस्टिंग NYP तो ऑटोमेटिक रिटेन हो गए, 4 प्लेयर्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया एंड 2 ही प्लेयर्स रूल आउट हुए थे इंजरी के कारण एंड इस बार रिटेन हो सकते हैं। सबसे पहले श्रेयस उम्बरदंड एंड फिर यहाँ पे नितिन रावल। अब आपको इसमें क्या चेंजेस लगते हैं, आप किससे सहमत नहीं हो, आप कॉमेंट सेक्शन में अपने रिटेंशन कॉमेंट्स में बता सकते हो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, काफी अच्छे फेस में है
लीग स्टेजेस के मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे एंड सेमीफाइनल एंड फाइनल भी खेला जाएगा। एंड अगर आपको सभी मैचेस के प्रेडिक्शन चाहिए बेस्ट एक्यूरेसी के साथ, आप राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड एक बार फिर से देख सकते हो कि किस तरीके से प्रेडिक्शन किया जा रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट टीम, हमारी अगली टीम है बेंगलुरु बुल्स की टीम। बेंगलुरु बुल्स का पिछला सीजन इतना भी अच्छा नहीं गया था। शुरुआत करते हैं एग्जिस्टिंग NYPs के साथ, तो चार प्लेयर्स है। सबसे पहले आदित्य पावर जो कि लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन के डिफेंडर है, फिर अक्षय धूल जो कि रेडर है, एंड तीसरा यहाँ पे प्रतीक गुलिया जो कि लेफ्ट कवर पोजीशन के डिफेंडर है, एंड चौथे खिलाड़ी अरुल नाथ बाबू है जो कि राइट कवर या फिर राइट कॉर्नर पोजीशन के डिफेंडर आप मान के चल सकते हो। चारों प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आदित्य पावर एक भी मुकाबला नहीं खेले, अक्षय धूल 10 मैचेस खेले, 10 मैच में 61 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। प्रतीक गुलिया जो कि लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, 13 मैचेस में 27 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। एंड अरुलनाथ बाबू 3 मैच में ही खेलने का मौका मिला, एंड इन 3 मैच में इन्होंने 6 टैकल पॉइंट स्कोर किया। रिटेंशन प्राइस 9 से 10 लाख मुझे लगता है कि सेट होने वाला है, तो चारों ही खिलाड़ी पूरी तरह सेट है रिटेन होने के लिए। RYP के बारे में बात करते हैं तो दो खिलाड़ी मुझे लग रहा है कि रिटेन हो गए। सबसे पहले भरत हुड्डा, ऑब्वियस इनको बेंगलुरु बुल्स की टीम ऑक्शन में जाने नहीं देगी। चौथा सीजन बेंगलुरु बुल्स से लगातार खेलते हुए दिख सकते हैं अगर रिटेन हुए तो। 18 मैच में 103 रेड पॉइंट स्कोर किया, परफॉर्मेंस इनका डाउन हुआ है। अगर हम सीजन 9 के परफॉर्मेंस से कंपेयर करें, इनको रिटेन किया गया था 37.50 लाख में, एंड कैटेगरी देखा जाए तो इनका डाउन होगा, तो इनका रिटेंशन प्राइस भी मुझे लगता है कि इतना ही होगा या फिर इससे कम यहाँ पे दिया जाएगा। तो भरत हुड्डा पे भी डिपेंड करता है कि वो रिटेन होना चाहेंगे या फिर इससे ज़्यादा पैसे अगर ऑक्शन में मिलता है तो ऑक्शन में जाना अच्छा ऑप्शन होगा। एंड दूसरे खिलाड़ी अमन अंतिल है जो कि लेफ्ट कॉर्नर पोजिशन के डिफेंडर है, चौथा स्ट्रेट सीजन अमन अंतिल भी खेलने वाले। पिछला सीजन अच्छा नहीं था, 13 मैच में 22 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, 30 लाख में रिटेन हुए थे, एंड प्राइस इनका डाउन होगा। परफॉर्मेंस डाउन हुआ है तो प्राइस भी डाउन हो सकता है, या फिर 30 लाख में अगेन अमन अंतिल रिटेन हो सकते। अब बात करते हैं इलीट प्लेयर्स के बारे में, तो सबसे पहले हमें सौरभ नंदल देखने को मिल जाएंगे जिन्हें मुझे लगता है कि बेंगलुरु बुल्स की टीम डेफिनेटली रिटेन करने वाली। 21 मैचेस में 49 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है, एंड पांचवा सीजन स्ट्रेट खेलने वाली है। वैसे तो RYP में भी आ सकते हैं या फिर इलीट में आएंगे, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इनको RYP में भी कंसिडर कर सकते हो या फिर इलीट प्लेयर में भी कंसिडर कर सकते हो। इनका पिछले सीजन कैटेगरी ए था, एंड परफॉर्मेंस अच्छा है तो इस बार भी कैटेगरी ए में रहेंगे। रिटेन हुए थे 37.50 लाख में, एंड कैटेगरी मेंटेन है तो इनका प्राइस अप होगा 15%। आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो तो जितना प्राइस बनेगा उतने में सौरभ नंदल रिटेन हो गए। दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे सुशील है जो कि रेडर है, एंड परफॉर्मेंस इनका काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। 16 मैचेस में 100 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, पिछले सीजन कैटेगरी सी में थे, एंड मुझे लगता है कि कैटेगरी बी में इनको रखा जाएगा। ऑक्शन में इनको 13 लाख में बेंगलुरु बुल्स की टीम ने खरीदा था, एंड ज्यादा पैसे इस सीजन इनको मिलेगा अगर रिटेन होते हैं तो। तीसरे खिलाड़ी यहाँ पे सुरजीत सिंह है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें इनसे भी देखने को मिला। राइट कवर पोजीशन का डिफेंडर है, 21 मैचेस में 56 टैकल पॉइंट्स इन्होंने PKL 10 में स्कोर किया था, कैटेगरी सी में थे, एंड मुझे लगता है कि इस बार कैटेगरी बी में सुरजीत सिंह होने वाले। ऑक्शन में तो सस्ते में मिल गए थे, 14.20 लाख में इनको खरीदा था, एंड कैटेगरी इनका अप होगा तो प्राइस भी इनका अप होने वाला है। अब सुरजीत सिंह पे डिपेंड होता है कि वो रिटेन होना चाहेंगे या फिर रिलीज हो गए। बेंगलुरु बुल्स की टीम तो सामने से इनको डेफिनेटली रिटेन करने वाली है। फिर अगले प्लेयर है सचिन नरवाल जो कि ऑलराउंडर है, 4 मैच में ही खेल पाए, 4 मैच में 20 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, 1 टैकल पॉइंट भी इन्होंने स्कोर किया। पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे, एंड इस बार कैटेगरी सी में डाउन हो गए। रीजन क्या है, 4 मैच खेलने का रूल आउट हो गए थे इंजरी के कारण, एंड देखा जाए तो इंजरी ही मेन कंसर्न था, नहीं तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते, एंड इसी के कारण कैटेगरी भी इनका डाउन होगा। वैसे ऑक्शन में बेंगलुरु बुल्स की टीम ने 23.25 लाख में खरीदा था, एंड प्राइस थोड़ा कम होगा रिटेंशन का, तो अब इन पे डिपेंड करता है कि रिटेन हो गया या फिर नहीं हो गए। लेकिन अगर कम प्राइस में रिटेन हो जाएंगे तो बेंगलुरु बुल्स का ही काफ़ी अच्छा फायदा होगा, एक अच्छा खिलाड़ी कम पैसे में इनको मिल जाएगा। एंड आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे नीरज नरवाल है जो कि काफ़ी अच्छे रेडर है। परफॉर्मेंस इनका पिछला सीजन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, 12 मैचेस में 27 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, कैटेगरी बी के रेडर थे, एंड मुझे लगता है कि कैटेगरी सी में जाएंगे।
प्राइस इनका 47.30 लाख में इनको रिटेन किया गया था एंड इससे थोड़ा कम इनको इस बार रिटेंशन का मिल सकता है। अब सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा पैसे बेंगलुरु बुल्स की टीम इन पे क्यों देगी। पीके लाइन के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सीजन 9 में 24 मैचेस में खेले थे, 92 रेट पॉइंट्स एंड 23 टैकल पॉइंट्स, तो इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था एंड एक खराब सीजन ये नहीं बताता है कि ये खिलाड़ी बेकार है। मुझे लगता है कि नीरज नरवाल को बेंगलुरु बुल्स की टीम जाने नहीं देगी, अगर रिटेन कर लेती है तो बेंगलुरु बुल्स का ही काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सो एज पर माई रिकेटेगराइज प्लेयर लिस्ट इलीट प्लेयर्स बेंगलुरु बुल्स की टीम में कैटेगरी ए से एक खिलाड़ी होगा, कैटेगरी बी से दो खिलाड़ी एंड कैटेगरी सी से भी दो खिलाड़ी रिटेन होने वाला है। तो टोटल 5 प्लेयर्स इलीट रिटेन प्लेयर के अंडर रिटेन होगा, आरवाईपी के अंडर 2 खिलाड़ी एंड एग्जिस्टिंग एनवाईपी जो कि कंफर्म है 4 प्लेयर्स रिटेन होने वाले। सो अगेन फिर से कहना चाहूंगा कि बेंगलुरु बुल्स में आप क्या चेंजेस देखना चाहते हो, किससे आप सहमत हो किससे सहमत नहीं हो, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दबंग दिल्ली एंड गुजरात जायंट्स के ऊपर, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा एंड अगर वीडियो आ गया होगा तो अभी आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे वीडियो शो हो रहा होगा, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड रिकेटेगराइज मेरा लिस्ट किया है, अगर आपको नहीं पता आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा कंफ्यूज हो रहे हो तो वो वाला वीडियो राइट साइड पे शो हो रहा होगा, उसे देखिए एंड जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा ये वाला वीडियो देखने के बाद। मिलते हैं उसी वीडियोस में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।